हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 11.1। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, दी गई प्रत्येक आकृति में कोण का नाम दर्शाइए। तो यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है, जैसे पहला नंबर में देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोण का नाम हम लोगों को दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए, एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण यहाँ है, तीसरा कोण यहाँ है, तो तीनों कोण का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग तीनों कोण का नाम लिखते हैं। कोण, सबसे पहले हम लोग ये पी को लिखते हैं। ओके, तो देखिए पी, तो यहाँ पर पी है और इसके इधर देखिए आर है और इसके इधर क्यू है, तो ये वाला जो पी है इसका नाम हो जाएगा कोण आर पी क्यू। ओके, कोण आर पी क्यू, ये पहला कोण हो गया। अब ये वाला को लिखते हैं, तो इस ये कोण का नाम हो जाएगा हमारा आर क्यू पी। ओके, कोण आर क्यू पी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कोण आर पी क्यू को हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसी तरीके से यहां पर कोण पी को हम लोग लिखे हैं आर पी क्यू, तो इसको क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। बस यहां पर जो मेन कोण है हमारा पी, वो बीच में बस रहना चाहिए और ये आगे पीछे हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये वाला आर बच गया है। ओके, यहां पर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं कोण क्यू आर पी, कुछ भी लिखेंगे सही होगा। तो यहां पर लिखते हैं कोण पी आर क्यू, तो ये तीनों हमारा आंसर हो चुका है, ये तीन कोण है। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज है, एक कोण यहाँ पर है, दूसरा कोण यहाँ है, तीसरा कोण यहाँ, चौथा कोण यहाँ, तो हम लोग चारों कोण का नाम लिखेंगे कोण। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कोण ए को लिखते हैं। ओके, तो कोण ए का नाम है हमारा बी ए डी, कोण बी ए डी। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कोण डी ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, डी ए बी वो भी सही होता है। ओके, अब हम लोग कोण बी को लिखते हैं। ओके, अभी बी बीच में रहना चाहिए, ए बी सी लिख देंगे, कोण ए बी सी। उसी तरीके से कोण बी सी डी, ये वाला कोण। ओके, कोण बी सी डी, बी सी डी। उसी तरीके से अब ये वाला कोण का नाम हमारा हो जाएगा सी डी ए, कोण सी डी ए। इस तरीके से ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए थ्री नंबर, यहाँ पर देखिए एक कोण यहाँ पर है, ओके, दूसरा कोण यहाँ पर है और एक तीसरा कोण भी है, देखिए पूरा का पूरा बड़ा वाला कोण। यहाँ पर तीन कोण है, हम लोग तीनों कोण को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कोण। ओके, तो देखिए पहला हो जाएगा हमारा कोण के ओ बी, कोण के ओ बी। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कोण बी ओ सी, बी ओ सी। फिर बड़ा वाला कोण, ओके, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला के ओ सी, कोण के ओ सी। तो इस तरीके से ये तीनों कोण यहाँ पर है, ये आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में सभी कोणों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर सभी कोण का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए कोण एक दो तीन चार, चारों कोण का नाम लिखना है। तो देखिए कोण एक को देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कोण बनेगा। ओके, इस तरीके से, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं डी ओ बी, क्लियर है, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं डी ओ बी, या फिर आप इसको बी ओ डी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए पहला हम लोग लिखते हैं कोण बी ओ डी, बी ओ डी। उसी तरीके से दूसरा कोण देखिए यहां पर, तो इस तरीके से कोण बनेगा यहां पर बी ओ सी। ओके, तो यहां पर दूसरा कोण हमारा है बी ओ सी, दूसरा कोण हो गया। तीसरा कोण देखिए सी ओ ए, ओके, ये वाला कोण तीसरा है, तो सी ओ ए हो जाएगा, या फिर ए ओ सी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं ए ओ सी लिखता हूं, कोण ए ओ सी। उसी तरीके से अब चौथा कोण का नाम हो जाएगा ए ओ डी, कोण ए ओ डी। इस तरीके से ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे थ्री नंबर की ओर। थ्री नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रत्येक कोणों की आकृति में शीर्ष तथा कोण की भुजाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर शीर्ष और भुजा का नाम लिखना है। यहां पर हम लोगों को पहला तो शीर्ष लिखना है और दूसरा कोण की भुजा लिखना है। ओके, तो बेसिकली
यहाँ पर शीर्ष और भुजा को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष यानी कि जब दो किरण जहां पर मिलता है उसका हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष हमारा ओ है, देखिए ये वाला ओ है, और भुजा यहाँ पर देखिए एक इधर गया है भुजा और दूसरा भुजा इधर गया है। तो पहला भुजा का नाम हमारा ओ पी है, दूसरा भुजा का नाम ओ क्यू। तो चलिए इसको यहाँ पर आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शीर्ष लिखते हैं, ओके, शीर्ष हमारा क्या है, ओ है, और वहीं पर अगर हम लोग देखें कोण की भुजा, ओके, बस मैं यहाँ पर भुजा लिखता हूँ। अगर हम लोग भुजा को देखेंगे तो यहाँ पर भुजा पहला ओ पी है, ओके, ओ पी कोमा ओ क्यू, ओ क्यू, ये दो हमारे पास भुजा है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में शीर्ष लिखना है। सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है दोनों भुजा, यहाँ पर मिल रहा है, तो हमारा शीर्ष सी हो जाएगा, शीर्ष, तो देखिए शीर्ष यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कोण की भुजा देखना है, भुजा बराबर देखिए पहला यहाँ पर सी बी है, दूसरा सी ए है, तो यहाँ पर लिखना है सी बी कोमा सी ए, सी ए, देखिए यहाँ पर सी बी मैंने लिखा है, आप बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं थ्री नंबर की ओर। थ्री नंबर देखिए, दो किरण जहां पर मिलता है वो हमारा शीर्ष रहता है, या फिर दो भुजा कह सकते हैं हम लोग, भुजा या किरण कोई फर्क नहीं पड़ता है कोण में, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो मिल रहा है मिलन बिंदु एफ है, एफ हमारा शीर्ष है, और भुजा एफ जी और एफ ई है। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखता हूँ शीर्ष, शीर्ष हमारा एफ है, उसके बाद भुजा देखिए, भुजा, भुजा पहला है एफ जी, एफ जी कोमा दूसरा है ई एफ या एफ ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं चलिए इसे ई एफ ही लिखता हूं, ओके, ई एफ। तो इस तरीके से हमारा शीर्ष और भुजा कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे फोर नंबर की ओर। फोर नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कोनों के नाम लिखिए जिन्हें ए बी सी एवं डी से दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर जो आकृति है यहाँ पर हम लोगों को ए बी सी और डी का यहाँ पर कोण का नाम लिखना है। तो देखिए ए कोण ए यहाँ पर है, बी कोण यहाँ है, कोण सी यहाँ है, और कोण डी यहाँ है, तो चारों का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोण ए को लिखते हैं, देखिए कोण ए बराबर यहाँ पर ये वाला कोण ए है, इसका नाम हो जाएगा ए, ये वाला ओ और इधर एक्स, ओके, ए ओ एक्स, तो कोण ए का वैल्यू हो जाएगा कोण ए ओ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कोण बी, यहाँ पर कोण बी है, तो ये वाला कोण हमारा कोण बी है, इसको लिख सकते हैं एक्स ओ वाई, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोण बी बराबर कोण एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, क्लियर है, कोण बी लिख लिए हैं। अब हम लोग कोण सी लिखते हैं, कोण सी बराबर कोण सी देखिए यहाँ पर है, कोण सी का नाम हो जाएगा बी ओ वाई, ओके, कोण बी ओ वाई, आई होप ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कोण डी, तो डी का नाम हम लोग लिख सकते हैं बी ओ जेड या फिर जेड ओ बी। तो चलिए मैं लिखता हूँ कोण डी बराबर बी ओ जेड, कोण बी ओ जेड, इस तरीके से कोण ए बी सी डी का हमने लिख लिया है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग फाइव नंबर की ओर। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति में सभी बिंदुओं को लिखिए जो, पहला नंबर देखिए कोण डी ओ ई के अभ्यंतर यानी कि अंतः भाग में स्थित है। तो देखिए कोण डी ओ ई है, कोण डी ओ ई, इसके बीच में कौन सा बिंदु है, तो देखिए कोण डी ओ ई के बीच में ए है, क्लियर है, यहाँ पर देखिए ए दिख रहा होगा बिंदु, तो यहाँ पर आंसर आपको बस बिंदु ए लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिंदु, बिंदु ए, बस यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है, बहिर मतलब बाहर, तो देखिए कोण ई ओ एफ यहाँ पर है इसके बाहर में, तो ये वाला है, क्लियर है, इस बिंदु का नाम सी है, और इसके बाहर हम लोग देखते हैं तो ए भी है, तो कोण ई ओ एफ के बाहर में बिंदु सी है और बिंदु ए है, तो यहाँ पर लिखना है बिंदु, बिंदु सी तथा तथा बिंदु ए, ओके, बिंदु सी और बिंदु ए कोण
ई ओ एफ के बाहर है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन ई ओ एफ पर स्थित है। तो देखिए ई ओ एफ इस पर कहां पर स्थित है, कौन सा बिंदु स्थित है। तो देखिए यहां पर बी दिख रहा होगा आपको, तो यहां पर लिखना है बिंदु बिंदु बी। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं सिक्स नंबर की ओर। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति से दर्शाए गए कोण पहला दूसरा तीसरा और चौथा का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आकृति है इसमें देखिए कोण पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर चारों का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोण पहला का नाम लिखते हैं। तो देखिए कोण यहाँ पर जो पहला है वो इस तरीके से है, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ए ओ ई। तो कोण ए ओ ई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब लिखते हैं हम लोग कोण दूसरा का नाम, कोण दूसरा देखिए यहां पर है, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं डी ओ ई। ओके, कोण डी ओ ई लिख सकते हैं या फिर ई ओ डी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं कोण ई ओ डी। उसी तरीके से कोण तीसरा देखिए, कोण तीसरा हमारा यहां पर है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं सी ओ डी। क्लियर है, सी ओ डी। तो यहां पर लिखना है कोण सी ओ डी। उसी तरीके से कोण चौथा का नाम हमारा देखिए यहां पर, इसको हम लिख सकते हैं बी ओ सी, कोण बी ओ सी। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेवन नंबर की ओर। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति को देखकर बताइए कि प्रश्न पहला से पांचवा में दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो यहां पर सही गलत करना है। सबसे पहले देखिए यहां पर पहला यह आकृति को देखते हुए बनाना है। ओके, आकृति में कोनों की कुल संख्या दो है। तो देखिए यहां पर जो आकृति है इसमें कोनों की संख्या दो है या उससे ज्यादा है। देखिए पहला तो यहां पर पहला कोण हो गया, दूसरा कोण यहां हो गया और तीसरा कोण पूरा बड़ा वाला कोण हो गया। यहां पर तीन कोण है और यहां पर लिखा हुआ है कि कोनों की माप देखिए कहां है, यहां पर कुल संख्या दो है, तो ये गलत है। क्लियर है, यहां पर गलत है। अब देखिए सेकेंड नंबर, कोण बी ए सी और कोण सी ए बी के माप एक ही है। तो यहां पर देखिए मैंने जैसे कहा है कि बी ए सी, देखिए बी ए सी ये वाला कोण और सी ए बी, सी ए बी दोनों तो एक ही कोण का नाम है, तो सही है, दोनों का माप बराबर ही होगा, तो ये सही हो जाएगा हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि आकृति में एक कोण की भुजाओं की लंबाई में कमी कर दी जाए तो उस कोण की माप में भी कमी आ जाती है। तो देखिए मानकर चलिए यहां तक बी है, अगर बी को हम लोग यहां तक ले आएंगे और सी यहां है उसको यहां ले आएंगे तो क्या कोण छोटा हो जाएगा, कोण छोटा नहीं होगा, कोण इतना का उतना ही रहेगा। जैसे कि यहां पर देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो इसको हम लोग इतना लंबा ले जाएंगे, इतना लंबा ले जाएंगे, फिर भी 30 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो ये आपका गलत है, यहां पर भुजा को छोटा करने से कोण का माप छोटा नहीं होता है। फिर देखिए चौथा नंबर, यदि कोण की भुजाओं की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उस कोण की माप में वृद्धि हो जाती है, ये भी गलत है। ओके, छोटा बड़ा करने से कोण का माप चेंज नहीं होता है। ओके, यहां पर जो भुजा है इसको छोटा बड़ा करेंगे तो कोण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट फाइव नंबर, दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का शीर्ष बिंदु ए है। तो देखिए शीर्ष ए है यहां पर, तो ये तो सही है, जितना भी हमारा कोण बन रहा है सभी का शीर्ष ए है, तो ये हमारा सही है। देखिए सब में यहां पर टच हो रहा है, मतलब ये शीर्ष ए सभी में है। तो इस तरीके से आज हम लोग जैसे आर्टिकल क्लास 6 का 11.1 कंप्लीट किए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, डाउट मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।